एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड है, ये तीनों में क्या अंतर होती है? अधिकतर लोग तीनों को एक ही समझ बैठते हैं, बस एटीएम कार्ड है भाई, एटीएम कार्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेबिट कार्ड अलग होता है, क्रेडिट कार्ड अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जब हम किसी भी बैंक में अपना नया खाता ओपन करवाते हैं, नया खाता खुलवाते हैं, तो बैंक के द्वारा हमें एटीएम कार्ड भेजा जाता है, जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं, जिस कार्ड की मदद से हम किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर अपने खाते से पैसा निकाल पाते हैं। और वो जो कार्ड होती है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होती है, जिसकी मदद से जब हम कोई भी एटीएम पर अपना पैसा निकालते हैं तो वो पैसा सीधा हमारे खाते से, अकाउंट से कट जाती है, क्योंकि वो कार्ड हमारे खाते से लिंक होता है। ये तो हो गई डेबिट कार्ड। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है वो बिल्कुल अलग होता है और ये हर किसी को नहीं मिलता। तो चलिए आज के शो में हम बात कर ही लेते हैं कि आखिर ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में क्या अंतर होती है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। है तो गाइस, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, डेबिट कार्ड जब हम किसी भी बैंक में जाते हैं और अपने नया खाता ओपन करवाते हैं तो बैंक के द्वारा हमें कार्ड दिया जाता है, जिसे हम एटीएम कार्ड कहते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड कहते हैं, जो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जिसके जरिए हम किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि इस कार्ड के लिए जो बैंक है वो हमसे मेंटेनेंस चार्ज कुछ लेती है, मतलब कुछ पैसे मेंटेनेंस चार्ज के लिए लेती है, ठीक है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो हर किसी को नहीं मिलता, और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये बैंक हमें ऑफर करती है। कहने के बाद मतलब ये है कि जिस भी बैंक में हमारा खाता ओपन हुआ है, हमने जिस भी बैंक में अपने खाता खुलवा रखा है, उस बैंक में हमारा लेन देन अच्छी खासी चलते रहती है, हमारा आय अच्छा खासा रहता है, हर महीने की जो मेंटेनेंस वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो बैंक हमें खुद ब खुद एक ऑफर करती है क्रेडिट कार्ड के लिए, और इस पर हमें मतलब क्रेडिट कार्ड को हम साफ शब्दों में एक लोन मान सकते हैं, लोन। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि लोन में क्या होता है, हमें ब्याज देनी पड़ती है, इसमें हमें ब्याज देना नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इस पर भी एक समय सीमा होती है और एक लिमिट होता है। कहने पर मतलब ये है कि जो क्रेडिट कार्ड है उस पर एक लिमिट दे दिया जाता है। जैसे अगर मान के चलिए अगर आपको 50,000 का लिमिट दे दिया गया है तो आप क्रेडिट कार्ड की मदद से 50,000 की जो है लेन देन कर सकते हैं। इसके बाद होगा क्या, हर महीने आपके पास बैंक की तरफ से एक बिल जाएगा, ठीक है, और उस बिल में सारा चीज़ें मेंशन होगा कि आपने इस महीने कितने कितने का खरीदी बिक्री की, मतलब खरीदी किया है, और कितना आपने भुगतान किया और कितना आपका बकाया है, ये चीज़ उसमें मेंशन रहेगी, और हर महीने इस तरीके की बिल आपके पास आती रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो क्रेडिट कार्ड है इस पर जो हमें लिमिट मिलती है, जैसे अगर मान के चलिए 50,000 की हमें लिमिट मिलती है और हमने 50,000 रुपये खर्च कर लिए, तो इससे पैसे को उस पर भुगतान करने के लिए उसका बिल तो हमें पे करना पड़ेगा भाई, क्रेडिट कार्ड में हमें बैंक ने हमें पैसा दिया है, ठीक है, अब उसे हम खर्चा कर रहे हैं तो उससे देना तो पड़ेगा बैंक को। तो होता क्या है, बैंक उसको एक समय निर्धारित कर देती है कि आप इतने दिन के भीतर वो पैसा हमें लौटा दीजिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन जब हम उस समय सीमा के अंतर्गत उस पैसे को नहीं लौटाते, हम उस पैसे के भुगतान नहीं करते, तो उसके बाद बैंक उस पैसे पर ब्याज दर लगाना शुरू कर देती और हमें ब्याज भी देना पड़ जाता है, वो प्रॉपर फिर लोन की तरह ऐसे काम करती है, ठीक है। तो ये तो होती क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या होता है, आप पैसे निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट खाली है फिर भी आपको बैंक की तरफ से उसमें पैसा मिलेगा और आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो समय सीमा होती है बैंक के द्वारा, जो आपको समय दिया जाता है कि आप इतने दिन के भीतर, एक महीने, दो महीने, तीन महीने के भीतर आप उस पैसे को भुगतान कर दीजिए, अपना बिल पेमेंट कर दीजिए, और आप उस डेट के अंदर में उस पैसे को भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जो खाता है, जो सिविल स्कोर है, वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी और आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देना नहीं पड़ेगा। तो ये होती है एक एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर, फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होती है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटे भी दबाएं, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक का वीडियो बना पाऊं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं देखने नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।